गाइस माय नेम इज कमलदीप सिंह निंजर। आप देख रहे हैं यूट्यूब मेरा चैनल कमलदीप सिंह निंजर। देख रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिक्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो जो एक प्लेलिस्ट में आपको लिस्ट मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हैं कंपटीशन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एक न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकंड हम कैसे करेंगे। तो आज आपके लिए करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो आपको एग्जाम में आता है विद इन 10 सेकंड। तो देखते हैं क्या आज का जो क्वेश्चन है हमारा, That is fine, limit extending to 0 cos 5x minus cos 7x over x square. तो ऐसे किसी फंक्शन की लिमिट हमने फाइंड करनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाएगा आपको। तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक की हम इसको 10 सेकंड में फाइंड करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यहां पर। तो पहले हम इसका जो मेन बेसिक है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो काफी इजी है, लेकिन वो आपके 2-4 मिनट आपके वहां पर लग जाएंगे। तो पहले उस मेथड से करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, हमें जो ट्रिक नहीं आता हम इसको कैसे कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमारे पास, जहां पर cos of c minus cos d का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होता है 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। तो यदि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो c हमारे पास कितना है 5x और d कितना है 7x over 2 हो जाएगा हमारे पास, into sin of हमारे पास कितना है d, that is 7x minus 5x over 2 हमारे पास हो जाएगा d minus c by 2 over हमारे पास कितना है x square। तो जहां से आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 into sin of, यहां पर बेटा देगा 5 plus 7 12x, 12 को आपके 2 से कटेंगे तो 6x आ जाएगा, into यहां पर आपके पास 7 minus 5 2x, 2 से 2 कटेंगे तो सिंपल x बच जाएगी, और नीचे हमारे पास कितना है x square है। एक तो ऐसे हम कर सकते हैं, और साथ में बताना चाहता हूं हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x over x is equal to 1, हम जहां पर इसको अप्लाई करने वाले हैं आज, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास नीचे भी देखिए बेटे, ऊपर दो फंक्शन है x में और नीचे भी x स्क्वायर है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं x into x, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो जहां पर आपके पास 2 है, यहां पर आपके sin x 6x ओवर 1x लिख दीजिए into sin of x ओवर x लिख दीजिए, अभी आपकी लिमिट भी अलग-अलग हो जाएगी, 2 into लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin of 6x ओवर आपके पास x है into आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin of x over x है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये ऐसी होती है जहां पर जो sin का एंगल है, जैसे x तो नीचे भी x होना चाहिए, मान लीजिए जहां पर sin of 1x है तो 1x तो है, जहां पर मान लीजिए sin of 2x तो नीचे भी 2x होगा, तब भी ये अप्लाई होगी जहां पर, तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा। लेकिन डाउट जहां पर है आपके पास, देखिए जहां पर 6x है लेकिन जहां पर सिर्फ हमारे पास क्या है x है, तो हमें यदि 6x होता तो हमारा काम चल जाएगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहां पर भी कर लीजिए, ताकि जो 6 से 6 कैंसिल होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, आपके ये जो 6 वाला कांस्टेंट इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर 2 है तो 6 * 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्सटेंडिंग टू 0 sin of 6x ओवर 6x, तो ये क्या बन जाएगा 1, और साथ में इसका आंसर कितना है हमारे पास बेटा, ये भी हमारे पास 1 है, सो दैट इज 12 into 1 into 1 आपके पास 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो जहां पर ये काफी इजी है, तो मैंने आपको 10 सेकंड किया था, लेकिन जहां पर हमारे पास 1.5 मिनट हमें लग गया, और साथ में जहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको यदि सीडी फार्मूला नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, और प्रॉब्लम क्या है यदि आपने मैथ छोड़े को काफी टाइम हो चुका तब भी आप नहीं कर पाएंगे, और साथ में यदि आपको ये प्रॉपर्टी भी नहीं पता तो भी आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यदि आप स्टूडेंट थे काफी समय पहले और आज कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें तो आपको जो चीजें भूल चुके हैं तो भी आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है उससे हर एक पर्सन कर सकेगा और आप भी कर पाएंगे, एक बड़ी सी बिग सी प्यारी सी स्माइल के साथ आप इसको करेंगे। तो देखते हैं, मैंने आपको ऐसे इसलिए करवाया कि यहां पर आंसर 12, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, कि यदि हमारे पास लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 cos of a of x है और माइनस हमारे पास cos of b of x over x square है, तो इसका जो आंसर आता है बेटा, जहां पर ध्यान देखें, यदि हमारे पास cos ax और minus cos bx over x square, जहां पर a कितना है 5 b कितना है 7, ऐसा कुछ भी आपके पास आ जाए तब इसका जो आंसर होता है जो सेकंड वाला हमारे पास आता b उसका आपने स्क्वायर कर देना है, माइनस जो फर्स्ट वाला a है उसका भी स्क्वायर कर देना, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देना, ये हमारा फार्मूला है। अभी जहां पर देखते हैं हम, यदि इसका आंसर हम चेक कर लिए थे हमारे कर लेते हैं हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका, अभी आपके पास b क्या है, b अभी आपके पास कितना बेटा 7 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहां पर मैं कर देता हूं इसका आंसर हमारे पास 7 की स्क्वायर और माइनस जहां पर a कितना है 5 की स्क्वायर ओवर 2 से डिवाइड कर दें,
7 की स्क्वायर बेटा कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 24 ओवर 2 होएगा और कटिंग जैसे आप करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 12। अब जहां पर बताइए कि आपका जो समय है वो कितना लगेगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया, यदि मेरे को तो आता था और आपको जब ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको विद इन सेकंड करने वाले हैं, जस्ट सेकंड से पहले कर देंगे। तो काफी आसानी पर रिपीट कर देते हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन आ जाए आपने क्या करना है, यहाँ पर बी की स्केयर माइनस ए की स्केयर ओवर टू कर देना है, जहां पर नीचे टू करना और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जहां पर आंसर आएगा। तो ये जो आंसर 12 है वो इससे मैच करता है, एक लॉन्ग मेथड है। यदि आपको 5 मार्क्स में थ्योरी में आता तो हम ऐसे करते, यदि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता तभी आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं। तो एक दो और एग्जांपल आपको यहां पर बताने वाले हम इसको करते हैं। आज की सेकंड एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है, मान लीजिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है, cos ऑफ 35x और माइनस cos ऑफ मान लीजिए 47x है ओवर x स्क्वायर। अब इसका आंसर हमें फाइंड करना विद इन सेकंड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो सेकंड नंबर है 47 की स्क्वायर माइनस 35 की स्क्वायर ओवर आपके पास 2। लेकिन प्रॉब्लम जहां पर आएगी कि आपको 47 का स्क्वायर नहीं मालूम, आपको 35 का स्क्वायर नहीं मालूम, यदि उनको फाइंड करने बैठ गए तभी आपका टाइम लगेगा। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कि आपके पास फर्स्ट नंबर की स्क्वायर है माइनस सेकंड नंबर की, इसको हम देख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, हम ये प्रॉपर्टी आपने की होगी 6 और 7 स्टैंडर्ड में। तो जहां पर भी जे वैट है हमारे पास की, जे नंबर 47 जे 35, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज हमारे पास 47 माइनस 35 और मल्टीप्लाई, एक बार दोनों को माइनस कर दो एक बार दोनों को प्लस कर दो, बिकॉज स्क्वायर फाइंड करने में टाइम लगेगा लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा ओवर 2। तो जहां पर आप 47 माइनस 35 करेंगे आपके पास 12 आ जाएगा, जैसे इनको ऐड करेंगे 7 प्लस 5 12 और जहां पर 3 और जहां पर 8 आ जाएगा और नीचे आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से जैसे कटिंग करेंगे 6 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 को 2 के साथ 12 1 आया हमारे पास कैरी करेंगे और जहां पर 48 प्लस 49 हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 492 हमारा आंसर होगा जो जे भी हमने विद इन सेकंड किया। जब आप सेकंड मेथड करते हो आपको काफी टाइम लगने वाला था, और जहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि आप जैसे आपके पास थोड़ी सी फिगर जहां पर डिजिट जो बड़ा होगा तब आप जहां पर जे वाली प्रॉपर्टी लगा लेना ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसे बिकॉज प्लस करना वो भी आसान होता है माइनस करना वो भी आसान होता है, उसके बाद एक टू से कटिंग करके उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर विद इन सेकंड आने वाला है। तो एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क में डालने वाला हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ये cos 147x माइनस cos 35x ओवर 2, इसका आंसर मैंने लिख दिया माइनस 1692। आपने फॉर्मूला लगाना चेक करना, मैं बता देना चाहता हूं जहां पर नंबर आपके पास बड़ा था ठीक है बेटा ग्रेटर नंबर, जहां पर स्मॉल था आपके जब आप करते हो माइनस तो आपकी पॉजिटिव में आंसर आएगा लेकिन जहां पर नेगेटिव आपका आ जाएगा। कैसे, जैसे हमने करना कि हम b का स्क्वायर करते हैं 135 स्क्वायर 147 का, तो आपके पास जहां पर 135 माइनस 147 आएगा मीन स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना तो ऑब्वियसली आपका माइनस क्रिएट हो जाएगा तो वो आंसर में शो हो जाएगा। और एक आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, यदि आपको ये काफी इजी लगा और आपको जो माइंड में चला गया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स कर में आप कमेंट करके मेरे को बताना, मैं आपके लिए और भी ऐसे पार्ट लेकर आता रहूंगा, आपकी मोटिवेशन के साथ आपके फीडबैक के साथ मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक ट्रिक के साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।